दोस्तों, आज मैं आप लोगों से धोखा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और उसके लिए एक कप चने की दाल को मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ये अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब इन्हें हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और ये आप यदि सिलबट्टे पर पीस रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल सिलबट्टे में कोई पीसना नहीं चाहता है। और 2 हरी मिर्च के साथ मैंने बिना पानी का मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को हम लोग एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा का पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे और ये बेकिंग पाउडर है जिसे केक फुलाने के काम आता है, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने लिया है, उसे भी हम लोग डाल देंगे। देखिए, ये वाला बेकिंग पाउडर मैंने लिया है। बहुतों को कन्फ्यूज़न रहता है कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। अब उसे इस ट्रे में मैं फैलाऊंगी, इसलिए मैंने उसे ग्रीस कर लिया है। अब इस बैटर को हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस ट्रे में इवेनली हम लोग फैला देंगे। जैसा आपको पसंद है, मोटा या पतला धोखा, वैसा आप फैला सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पतला वाला ही रखा है। यहाँ पे एक कटोरे में मैंने पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए। पानी में उबाल आ चुका है। अब इस ट्रे को हम लोग इसके ऊपर रख देंगे, दाल वाला मिक्सचर को, और ढक के हम लोग पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। 7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद देखिए, ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा ड्राई हो चुका है। अब इसे रूम टेम्परेचर में आने के बाद हम लोग कट कर लेंगे। ध्यान रहे, रूम टेम्परेचर में आने के बाद ही कट करें, वरना ये अच्छी तरीके से शेप में नहीं आते हैं और टूट जाते हैं। सारे धोखे जो है हमने कट कर लिए हैं। देखिए, अभी इन्हें सावधानी से हम लोग निकाल लेंगे। कितना अच्छा शेप में बन के तैयार हुआ है और बहुत ही पतला भी मैंने फैलाया था। अब गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम लोग तेल और सारे धोखे जो है उसमें हम लोग डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून हमने डाल दिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसे थोड़ा देर तक हम लोग चलाएंगे, मैंने 2 से 3 मिनट ही हम लोगों को चलाना है। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देंगे। नमक हमने धोखे में डाला था, इसलिए नमक हमने नहीं डाला है यहाँ पर। और इसे हम लोग स्लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे जब तक कि ऊपर का पार्ट क्रिस्पी ना हो जाए और भाजा भाजा ना दिखे, तब तक इसे कुछ देर तक हम लोगों को भूनना है। मतलब कि टोटल भूनने में हमें 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है। अब उसी पैन में हम लोग सरसों का तेल गर्म करेंगे, 1 टेबल स्पून। तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब उसमें हम लोग तेज पत्ते डाल देंगे, थोड़ी सी जीरा डाल देंगे, मतलब कि सादा जीरा मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और 1 कटे हुए आलू मैं यहाँ पे डाल दूँगी। आलूओं को हम लोग अच्छी तरीके से भूनेंगे। वन टेबल स्पून हम लोग डाल देंगे यहाँ पे अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने डाला है। आप तीखा खाते होंगे तो देगी मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने। सभी थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे जीरा का पाउडर और सभी मसालों को हम लोग अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाले जो है थोड़े से जल जा रहे थे, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है, जिससे कि मसाले अच्छी तरीके से भुना जा सके। और मसाला अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें हम लोग 2 कटोरी जो है पानी डाल देंगे, सभी को मिक्स करेंगे।
अकॉर्डिंग टू टेस्ट अब हम लोग नमक डाल देंगे। अब इसे ढक करके हम लोग पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग आलूओं को चेक कर लेते हैं। देखिए आलू हमारा पक चुका है, मतलब कि और ढकना नहीं है। अब इसमें सारे धोखे जो हमने बना के रखे थे वो हम लोग डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। धोखों को और हम लोग ढकेंगे नहीं, इसे हम लोग ओपन मतलब बिना ढक्कन का ही कुक करेंगे कुछ देर तक, और फिर उसके बाद सर्व करेंगे। तो दोस्तों रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।